दोस्तों, टाटा ग्रुप आए दिनों ऐसे ऐसे कारनामों को लेकर दुनिया के सामने लाते रहते हैं जिसके बारे में किसी दुश्मन देशों को खबर तक नहीं रहती है। दोस्तों, भारत को सुपर पावर बनाने के लिए टाटा कर रहा है दूसरा धमाका। पहले टाटा ने किया एयरपोर्ट को सुपर लड़ाका सौंपने का ऐलान, अब स्पेस में टाटा उतारेगा नेक्स्ट जनरेशन का सुपर वॉरियर। चीन में पत्ता भी हिलेगा तो भारतीय सेनाओं को मिल जाएगी खबर। पहली बार भारत को मिलने वाला है अब तक का सबसे नया सैटेलाइट। दोस्तों, भारत की टाटा कंपनी ने कई बार उन उपलब्धियों को हासिल किया है जिसके बारे में सोचकर ही चीन और पाकिस्तान का दिमाग हिल जाता है। हाल ही में हमने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसा सुपर योद्धा सौंपने का ऐलान किया है जो न केवल अपने आप में एशिया का पहला विमान है बल्कि यह विमान भारत के दुश्मनों को नस्तेनाबूत करने के लिए किसी देश में घुस भी सकता है, हमला भी कर सकता है और भारी भरकम हथियार लेकर जा भी सकता है। दोस्तों, हम आपको इस योद्धा की जानकारी इसी वीडियो में और भी देने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको टाटा को लेकर आई उस खबर को बताएंगे जो आपका दिन बना देगी और यकीन मानिए आप भी टाटा को इस काम के लिए सैल्यूट किए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, यह तो बात आप सभी जानते हैं कि चीन पाकिस्तान भारत के दुश्मन हैं। ये दोनों देश भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। दोनों सीमाओं पर आए दिन इसका कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते हैं। हालांकि भारतीय सेनाएं इसका मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम हैं और दे भी रही हैं। लेकिन भारतीय सेना को अगर इन दुश्मनों की खबर कुछ समय पहले मिल जाए और एक्सट्रैक्ट मिल जाए तो भारत इनके मंसूबों को पहले ही खाक कर सकता है। दोस्तों, देश की सुरक्षा में हर वक्त तैनात भारतीय सेना की इस मांग को पूरा करने की हिम्मत दिखाई भारत की ही टाटा कंपनी ने। भारत की टाटा कंपनी ने देश की सेनाओं को दूसरा तोहफा देते हुए स्पेस में तैरता वह वॉरियर देने का ऐलान किया जो वास्तव में चीन और पाकिस्तान को देखते हुए ही तैयार किया जाएगा। हम आपको स्पेस के नए योद्धा की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले देश के वैज्ञानिकों और देश की शान टाटा ग्रुप के सपोर्ट में अपना एक लाइक इस वीडियो पर आप जरूर कर दीजिए। हवाई लड़ाके के बाद टाटा ने दिया सेना को दूसरा तोहफा, इंडियन आर्मी की मदद करने टाटा ने बनाया सैटेलाइट। दोस्तों, हमेशा देश के लिए कुछ ना कुछ बनाने वाली टाटा कंपनी ने इस बार भारतीय सेना की मदद के लिए एक आधुनिक तकनीक वाली सैटेलाइट का निर्माण कर डाला है और यह सैटेलाइट बनाई गई है भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान को देखते हुए। चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर भारत के खिलाफ क्या कुछ तैनात किया है, कितनी संख्या में हथियार हैं, ये हथियार कितने पावरफुल हैं और इनकी रेंज क्या क्या है, ये भी ये सैटेलाइट समय से पहले भारतीय सेना को जानकारी दे देगी। यहां तक कि दुश्मनों की गुप्त जानकारी भी मिल जाएगी। ये भारत का पहला ऐसा मिलिट्री ग्रेड स्पाई सैटेलाइट है जिसे प्राइवेट सेक्टर ने तैयार किया है। बड़ी बात ये कि इस स्पाई सैटेलाइट को अप्रैल महीने में लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सैटेलाइट का काम पिछले सप्ताह पूरा हो गया था। अब लॉन्चिंग के लिए जल्द ही फ्लोरिडा भेजा जाएगा। सैटेलाइट को टाटा समूह की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी DSL ने तैयार किया है। इसे पिछले सप्ताह पूरी तरह से तैयार किया गया। अब इस सैटेलाइट के लिए ग्राउंड स्टेशन बनाने का काम भी पूरा होने वाला है। ग्राउंड स्टेशन से ही स्पाइस सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाएगा और सब मीटर रेजोल्यूशन को प्रोसेस किया जाएगा। आपको बता दें कि DSL में लैटिन अमेरिकी कंपनी सैटर्न लॉजिक के साथ पार्टनरशिप में सैटेलाइट को तैयार किया है। यह सैटेलाइट 0.5 मीटर तक के रेजोल्यूशन में तस्वीरें निकाल सकता है। इससे सेना के बॉर्डर की निगरानी करने और स्ट्रेटेजिक टारगेट तय करने में भी मदद मिल पाएगी। चीन के साथ LSC पर तनाव बढ़ने के बाद सेना की बॉर्डर की निगरानी की जरूरत बढ़ गई थी। सेना के द्वारा विदेशी संस्थाओं से इमेजरी में खरीद में काफी बढ़ोतरी हुई है। अभी सेना की सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि इसरो के पास भी सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट है, लेकिन कई बार वह सेना की जरूरतों के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पाते क्योंकि सेना को अक्सर बड़े कवरेज की जरूरत होती है और कई बार जरूरत अर्जेंट होती है। ऐसे में सैटेलाइट से सेना की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और तत्काल डेटा उपलब्ध हो पाएगा। TSL प्रोग्राम का यूनिक पहलू यह है कि ग्राउंड कंट्रोल भारत में रहेगा
जो आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा निगरानी के लिए आवश्यक कूनर्डिनेट की सीक्रेसी को सक्षम करेगा। इससे पहले मॉनिटरिंग के लिए एग्जीक्यूटिव कूनर्डिनेट और टाइम फॉरेन वेंडर्स के साथ शेयर करना पड़ता था। इस सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए बेंगलुरु में कंट्रोल सेंटर भी तैयार किया जा रहा है। कंट्रोल सेंटर से ही सैटेलाइट को रास्ता दिखाया जाएगा और उसके साथ साथ सेना को बॉर्डर समेत अन्य निगरानी करने या टारगेट लॉक करने के लिए जरूरी तस्वीरों को भी कंट्रोल सेंटर में प्रोसेस किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट में तो देशों के भी काम आ सकता है। अपने प्राइमरी डिफेंस रोल के साथ सैटेलाइट इमेजरी को मित्र देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार कुछ देशों की ओर से ऑर्डर के लिए TSL से संपर्क किया गया। बेंगलुरु प्लांट के एक वर्ष में 25 ऐसे लो अर्थ सैटेलाइट का प्रोडक्शन कर सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए C-25 ट्रांसपोर्ट विमान बना रही है टाटा। एशिया में ऐसे विमान तैयार करने वाला भारत होगा पहला देश। कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को एक खास विमान प्राप्त होगा। इस विमान की मदद से भारत किसी भी देश पर एयर स्ट्राइक या किसी भी तरह की हवाई कार्रवाई को अंजाम दे पाएगा। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद भारत के सारे दुश्मनों में खौफ पैदा हो चुका है। टाटा के द्वारा तैयार किए जा रहे इस विमान की कुछ खास बातें निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास भी मौजूद नहीं होगी। भारत सरकार का सहयोग करने के लिए, भारत सरकार के सपने को पूरा करने के लिए टाटा डिफेंस के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक ऐसे विमान को बनाकर भारतीय वायुसेना को देने जा रही हैं, जिनका नाम सुनते ही भारत के दुश्मनों के रूह कांप जाएगी। इस प्रोजेक्ट में टाटा ग्रुप को सहयोग देने के लिए यूरोपीय कंपनी भी निकलकर सामने आई है। टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा और भारत को इस मुकाम पर पहुंचा देगा, जहां तक पहुंचने के बारे में चीन जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें यूरोपीय कंपनी एयरबस टाटा ग्रुप के वैज्ञानिकों की मदद करेगी। डील के तहत 56 C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण होगा, जिसमें 16 विमान स्पेन से बनकर भारत आएंगे और बाकी के 40 विमानों को गुजरात के वडोदरा में तैयार किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले 16 विमानों में एक विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त भी हो चुका है और 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी ने स्पेन में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया था। दोस्तों, C-295 ट्रांसपोर्ट विमान ऐसा विमान हो जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमान अपने 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं। टाटा एयरबस के बीच हुई इस डील के तहत 16 ट्रांसपोर्ट विमान से 40 महीनों के अंदर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे और बाकी के 40 विमानों का निर्माण भारत में स्वदेशी तरीके से किया जाएगा। इसी को लेकर टाटा गुजरात के वडोदरा में एक फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है, जो 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें, टाटा ग्रुप हर दिन नए नए इतिहास रच रहा है। पिछले एक साल में टाटा ग्रुप की कंपनियों ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया, जिसके बाद कंपनी का मार्केट कैप लगातार बढ़ा है। लेकिन अब टाटा ग्रुप ने एक और महारत हासिल कर ली है। टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पाकिस्तान की GDP से भी ज्यादा हो गया है। टाटा ग्रुप का कल मार्केट कैप $365 बिलियन हो चुका है। वही IMF की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल GDP $341 बिलियन रह गई है। इस हिसाब से देखें तो टाटा ग्रुप के मार्केट कैप ने पाकिस्तान जैसे देश को भी पीछे छोड़ दिया है। रतन टाटा का ग्रुप पाकिस्तान के कुल GDP से भी आगे बढ़ गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। टाटा ग्रुप के लिए इस वीडियो पर आपका एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।